एस एम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर, जिसको दिल्ली का दिल कहा जाता है, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, जो अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों पर अधिकतर व्यक्तिगत भी वार किए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के अंदर एक ऐसी खबरें आई जिसको पूरे समाज को अनुसूचित समाज को अनुसूचित जनजाति के समाज को हिला दिया। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिन्होंने पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया अधिकारी के रूप में, और आज समाज की सेवा कर रहे हैं और समता सैनिक दल के संयोजक हैं और अनुसूचित जनजाति का जो एक संगठन है उसके भी पैटर्न चीफ हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। जो सोशल मीडिया पर इस तरीके की टिप्पणी की गई, तो ये संस्था क्या आगे कार्रवाई करेगी? सर, अभी कुछ दिन पहले मीडिया के अंदर सोशल मीडिया के अंदर इस तरीके बात आई कि ढोल गवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी जैसी, एक अधिकारी इस तरीके की बात करें तो उनकी मानसिक स्थिति क्या है और किस तरीके की है? देखिए, बड़े अफसोस की बात है पीपल साहब के आज पूरे भारतवर्ष में, यानी 21वीं शताब्दी में भी लोगों का माइंड सेट एक एससी एसटी के प्रति इस तरह घृणित हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। आज पूरे भारतवर्ष में आज हर व्यक्ति, गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि जितना भी एससी एसटी है मुख्य धारा से जोड़ा जाए, और भाषण बहुत अच्छे देते हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं, इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं, तो लगता है कि हम शायद अभी भी कहीं 17वीं और 12वीं शताब्दी में हैं, 21वीं शताब्दी में नहीं हैं। इस तरह के ऑफिसर, ये ऑफिसर के नाम पर धब्बा हैं। ऑफिसर एक ऐसी चीज़ होती है गवर्नमेंट का कि उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इस देश के सब समाज को, सब इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट क्रीड एंड द रिलीजन, वो सबको साथ लेकर चले और सबका व्यवहार करे। जिस तरह से शरद श्रीवास्तव जी एक LIC में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं, वो तो उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी जिस तरह से उन्होंने दिया। ये एक बहुत ही बचकानी हरकत, एक बिल्कुल अनएजुकेटेड हरकत इन्होंने की है, और इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे महासंघ, और मैं नेशनल प्रेसिडेंट समता सैनिक दल भी हूँ, और यहाँ जो हमारा एससी एसटी का परिसंघ है, महासंघ है, उसका मैं चीफ पैटर्न भी होने के नाते से, हम लोगों ने अपने माननीय राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन लिखा है, हमने प्रधानमंत्री जी के नाम लिखा है, हमने जो एससी कमीशन आयोग के चेयरमैन हैं मिस्टर कठेरिया उनको लिखा है, हमने जो पार्लियामेंट्री कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनको भी लिखा है, हमने सेक्रेटरी जो LIC के सेक्रेटरी फाइनेंशियल बैंकिंग है उनको भी चिट्ठी दी है, हमने सब लोगों को ये चिट्ठी दी है कि इस तरह की जो बहुत ही भद्दी टिप्पणी जो इस ऑफिसर ने की, उसके अगेंस्ट जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये पूरे भारतवर्ष में जब से ये चीज़ व्हाट्सएप पे फैली है, आज पूरे समाज का जो दलित समाज है, एससी एसटी समाज है, उसमें बहुत रोष है, और वो चाहते हैं कि इनके अगेंस्ट यदि ऐसा नहीं हुआ तो सर्टेनली उनकी एक मानसिकता, एक माइंडसेट ये हो जाएगा कि आज पूरे भारतवर्ष में आज भी इन लोगों को उसी दर्जे से देखा जाता है जो कभी हजारों साल पहले देखा जाता था। मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, चेयरमैन हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं, दूसरा सेक्रेटरी फाइनेंसिंग है, और इवन फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए उस इनको दंड देंगे, और एक पूरे देश में मैसेज देंगे कि सर्टेनली ऐसी ये पक्षपाती लोग नहीं हैं और ये इतना इनका ये कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सर्टेनली हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इसके अगेंस्ट हम FIR भी कराएंगे, FIR कराएंगे पूरे इस पर, अपने महासंघ के बैनर पर, उसके लेटर पर, और अगर तब भी कुछ नहीं होगा तो सर्टेनली लोग आज पूरे भारतवर्ष में इस बात का रोष है कि वो सड़क पाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि उससे पहले अगर जितनी गवर्नमेंट एजेंसी ऐसे कार्यों के लिए जो निर्मित की गई हैं, यदि वो एक्शन लेती हैं, तो सर्टेनली एक मैसेज जाएगा कि यस, ये गवर्नमेंट दलित हितेशी है और दलितों का ये चाहती है कि भाई इनका, इनको बराबरी का ये मुख्य धारा में जोड़े जाएं, और ये इस तरह के टिप्पणी जो इस ऑफिसर को गवर्नमेंट की नौकरी से बर्खास्त किया जाए, तभी ये मैसेज जाएगा कि सर्टेनली इस तरह अगर कोई हरकत करता है तो आगे आने वाली जनरेशन भी सचेत हो जाती हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि मतलब एक उलझाने वाली बात कही हो, ये तो तुलसी दास जी ने बहुत पहले कह दिया था, और आज एक अफसर इस तरीके की बात कह रहा है कि ये पूरे समाज को उलझाने वाली बात कही जा रही हो। देखिए, ऐसा है, तुलसीदास जी का जो समय था वो आज से
दो चार हजार साल पहले, 5000 साल पहले, वो समय कुछ और था। आज न तो ये ढोर हैं, न गंवार हैं, और न ये किसी की ताड़ना सह सकते। आज ये पढ़ा लिखा समाज है, दे अंडरस्टैंड व्हाट इट वाज। उस समय पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, आज पढ़ रहे हैं, नौकरी में सब कुछ है, ये लोग मंत्री भी हैं, एमएलए भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, इस देश के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो आज ये टॉयलेट करने वाले लोग नहीं हैं इस तरह से, आज ये एजुकेटेड हैं, ये समझते हैं व्हाट इज व्हाट। और मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट का कोई भी रीजनेबल ऑफिसर है जो ये चाहता है कि पूरा भारतवर्ष केवल एक समाज का नहीं है, ये पूरा भारतवर्ष सभी समाज के लोगों को मिलकर भारतवर्ष बना है, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से या जात से या धर्म से नहीं बना। यहाँ विविध किस्म के लोग हैं, विविध किस्म की धारणाएं हैं, विविध किस्म के धर्म हैं, विविध किस्म भाषाएँ हैं और जातियाँ हैं, तो इनको सबको मिला कर के पूरा भारतवर्ष है। और अगर हम इसका विकास चाहते हैं और इसको संगठित चाहते हैं तो सर्टेनली हमें ऐसे लोगों पर एक्शन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं गुजारिश करता हूं आपके इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि प्रधानमंत्री जी आप देखिए इस तरह के लोगों को, ये अर्थ समय रहते हुए अगर आपने बेहतरीन वो नहीं दिया, दंड नहीं दिया, तो लोग कुछ और ही समझेंगे। और इस तरह से इसको इमीडिएटली पर खास करके एक मैसेज दे दीजिए पूरे समाज में, पूरे भारत में, कि आप बिल्कुल निर्णायक निर्णय करते हैं और एक बहुत बेहतर निर्णय करते हैं। सर आप समाज से क्या अपील करेंगे इस मुद्दे को लेकर? मैं समाज से अपील करूंगा कि सब समाज के लोग जितने भी हम ये देख रहे हैं, पहले चूके एक एक एजुकेशन का उसका यही होता है कि हम संविधान के तहत रह करके अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और ये जितने भी हमने लेटर लिखे हैं पूरी एजेंसी को, पूरे भारतवर्ष के जितने भी मंत्री गण हैं या जो एजेंसी कंसर्न हैं, वो सब संविधान के तहत बने हुए हैं, उसके तहत हम ये देख रहे हैं। अगर वो नहीं हुआ तो सर्टेनली हम बाध्य होंगे कि हम रोड पे जाएंगे, इसकी आवाज़ को उठाएंगे, लेकिन इस श्रीवास्तव के अगेंस्ट कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो चुप पूरा समाज नहीं रहेगा।